हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एनएमसी की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जो कि 5/7/2023 की तारीख से आप देख सकते हैं ये लेटर जारी हुआ था। ये दोस्तों, ये लेटर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है स्पेशली, तो आपने देखना है दोस्तों कैसे आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इस कोटे का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों ये उसी की तरफ से है, एमसीसी ने दोस्तों इसके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट किया है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी इसका फॉर्मेट ये जो दे रखा है इसको पढ़ सकते हैं। बाकी हम आपको बता देते हैं क्या क्या लिख रखा है इसमें, तो आप बने रहे वीडियो में देख सकते हैं। जैसे आप लिखा है कि अर्जेंट अटेंशन फॉर दी आर पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स, यहाँ पे देखा गया है फॉर नीट यूजी 2023। दोस्तों यहाँ पे देखा गया है, जैसे नोटिफिकेशन पढ़ के बताएंगे हम, आल कैंडिडेट हुआ रजिस्टर देमसेल्फ अंडर पी डब्ल्यू डी कोटा इन नीट 2023 एन टी ए फ्रॉम दी हेयर बाई इन्फॉर्म पी डब्ल्यू डी पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पी डब्ल्यू सर्टिफिकेट बाई द रजिस्ट्रेशन डिसेबिलिटी नीट स्क्रीनिंग सेंटर्स आर ओपन। दोस्तों इसका मतलब ये है, जिन भाइयों ने पी डब्ल्यू कोटा से नीट का फॉर्म भरा था तो उनका क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप जितने भी सेंटर हैं पी डब्ल्यू डी के वो अभी ओपन हो गए हैं। तो जो भी पी डब्ल्यू डी भाई हैं, पी डब्ल्यू डी मतलब दोस्तों पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, जो विकलांग बच्चे हैं वो इस कोटे का फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। तो उन्हें एम सी सी में काउंसलिंग करने के लिए क्या क्या चाहिएगा उस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जो उनकी स्टेट काउंसिल से रजिस्टर्ड हेल्थ सर्टिफिकेट है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो होती है दोस्तों, जो पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट से पास होती है पहले से बननी होती है, वो उनको वहाँ पे लेके जानी है। यहाँ पे लिस्ट में 16 मेडिकल कॉलेज लिख रखे हैं जहाँ पे इनका चेकअप होगा, फिर उनको अप्रूवल मिलेगा, फिर वो दोस्तों इस कोटे का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिख रखा है, द कैंडिडेट हु हैव विजिट डेस्टिनेटेड डिसेबिलिटी नीड स्क्रीनिंग सेंटर फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन एंड क्वांटिटी ऑफ देयर डिसेबिलिटी एंड ऑब्टेन पी डब्ल्यू डी सर्टिफिकेट जनरेटेड ऑनलाइन बाई द सेंटर, नो अदर सर्टिफिकेट एक्सेप्ट द वन जनरेटेड थ्रू एम सी सी पोर्टल इन ऑनलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड एट द टाइम ऑफ द एडमिशन फॉर्म। मतलब दोस्तों जो बच्चों के पास पहले से सर्टिफिकेट बन रखी है वो वैलिड नहीं रहेगी एम सी सी की काउंसलिंग में। स्पेशल एम सी सी की काउंसलिंग के लिए ये पी डब्ल्यू डी भाइयों के लिए सर्टिफिकेट बनेगी, जो कि उन्हीं के सेंटर्स पे बनेगी, एम सी सी की काउंसिल प्रोवाइड सेंटर्स पे बनेगी। वो सेंटर्स कौन से हैं दोस्तों वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे लिख रखे हैं दोस्तों कम से कम 16 सेंटर्स दे रखे हैं इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपके नज़दीकी कौन सा भी पड़ता है और जो कौन से डिसेबिलिटी वाले भाई हैं उनके लिए सेंटर्स अलग अलग मेंशन कर रखे हैं। पहले तो आपने देखना है दोस्तों, ये देख सकते हैं लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सेंटर हुआ इशू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एज पर नॉर्म्स पी डब्ल्यू कैंडिडेट्स वॉट टू क्लेम देयर 5% रिजर्वेशन रहता है दोस्तों पी जी एंड यू जी कोर्सेज में, वो उनका क्लेम ले सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला कॉलेज है न्यू दिल्ली में दोस्तों। आर डिसेबिलिटी एज मेंशन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट विजिबिलिटी डिसेबल्ड एंड इंक्लूड डिसेबल्ड बिहेवियर डिसेबल्ड मेंटल डिसेबल्ड और विजुअल डिसेबल्ड को छोड़ के दोस्तों सारे भाई लोकोमेंट्री डिसेबिलिटी में आते हैं, वो न्यू दिल्ली में जाके वर्धमान महावीर कॉलेज में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं और अपनी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसके बाद हम आगे लेके जाते हैं दोस्तों आपके कौन से कॉलेज हैं उसकी तरफ। सेकंड देख सकते हैं आप, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये मुंबई कोलकाता चेन्नई में पढ़ते हैं दोस्तों। ये दूर दूर हैं थोड़े, अपने तो दोस्तों अपने समय निकाल के इन कॉलेज में जाना है और अपनी सर्टिफिकेट बनवानी है, क्योंकि उस सर्टिफिकेट के बिना आप इस कोटे का लाभ नहीं उठा सकते। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, फॉर लोकोमेटिव डिसेबिलिटी ओनली आर डिसेबिलिटी एज मेंशन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो जो भी भाई, मैं तो ये बोलूँगा आपने इन सेंटर्स पर जाना चाहिए दोस्तों। आर डिसेबिलिटी सेंटर में आपको कोई भी डिसेबिलिटी हो जल्द से जल्द सर्टिफिकेट बना के दे देंगे आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपके जो से पास पड़े दोस्तों वहाँ पे जाना है आपने। पहला मुंबई में है, फिर कोलकाता में, फिर चेन्नई में है। कॉलेज का नाम यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों, ये रहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड मेडिसिन रिहेबिलेशन AIIPMR है दोस्तों। सेकंड देख सकते हैं MMC है, मद्रास मेडिकल कॉलेज। इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों ग्रैंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जे हॉस्पिटल कंपाउंड लिखा है। फिर गोवा में, गोवा स्टेट के मेडिकल कॉलेज में है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आर डिसेबिलिटी मेंशन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट स्पीच डिसेबिलिटी गूंगे बहरे को नहीं लिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, इसके नीचे देख सकते हैं, जैसे आप जाएंगे अलग अलग कॉलेज दे रखे हैं, जो भी आपके पास पड़े उसमें आपको जाना है। SMS कॉलेज जैसे कि पड़ता है नॉर्थ इंडियंस के पास, SMS को मेडिकल कॉलेज जयपुर राजस्थान। आर डिसेबिलिटी मेंशन सर्टिफिकेट एक्सेप्ट न्यूरोलॉजी जेनेटिक टेस्टिंग ENT स्पीच ENT में आईज नोज टीथ आएगा दोस्तों, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी टेस्टिंग PMR गुनेटमार ओडल्ट प्लम लाइन हैंडलाइन लेजर। तो ये दोस्तों आपको देख के जाना है। फिर चंडीगढ़ भी दोस्तों नॉर्थ इंडिया में आता है,
यहाँ पे देख सकते हैं आप, चंडीगढ़ में जा सकते हैं क्योंकि नॉर्थ के भाई को ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ में सेंटर है, यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 में देख रखा है आल डिसेबिलिटी मेंशन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। यहाँ पे जा सकते हैं आप, अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं दोस्तों। कम से कम आपने 2 दिन तो वहाँ पे लगी जाएंगे सर्टिफिकेट बनाने में, तो दोस्तों आज जितना जल्द से जल्द हो सके वहाँ पे जाके आप अपना सर्टिफिकेट बनाए, जिससे कि आप एमएनसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकें और आपको लेट ना हो, ठीक है दोस्तों। और हम अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करवाते हैं दोस्तों, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड जितनी भी वीडियो आ रही है दोस्तों वो सारी देखनी, जिससे कि आपको काउंसलिंग के बारे में अच्छी तरह से पता लग सके। क्योंकि एक काउंसलिंग दोस्तों जैसे नीट का एग्ज़ाम है वैसे ही बहुत बड़ा प्रोसीजर है। आपने थोड़ी भी मिस्टेक कर दी दोस्तों आप समझ जाइएगा कि आपने अपनी ज़िंदगी का 1 साल और बर्बाद कर दिया है। क्योंकि दोस्तों कॉलेज मिलना सबसे बड़ी बात है, आपके नंबर आ गए वो तो ठीक है दोस्तों, परंतु जो आपका फेवरेट कॉलेज है आपको मिलता हुआ वो नहीं मिला तो दोस्तों आपको कितनी बुरा लगेगा। उससे भी बुरा ये होगा दोस्तों आपने के पास फ्री रिसोर्स होके भी आपने उसका लाभ नहीं उठाया है। और जिन भाइयों को ज़्यादा डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उनके सारे रिप्लाई दिए जाएंगे। इनकेस रिप्लाई नहीं आ रहा तो उन्हें थोड़ा वेट करना है दोस्तों, परंतु आपकी दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करवा देंगे बिल्कुल नॉमिनल फीस के हिसाब से। आप देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके बाद कौन से कॉलेज आ सकते हैं आते हैं आप देख सकते हैं लिस्ट में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, स्टेट डिसेबिलिटी, आर डिसेबिलिटी एडमिशन, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दोस्तों। यहाँ पे जाएंगे ना जितने जितने ये आर डिसेबिलिटी सेंटर्स लिखे हैं उसमें दोस्तों आपका फ़ायदा ये है, क्योंकि इसमें जल्द से जल्द बना के दे देंगे, क्योंकि भीड़ भी पाएंगे इसमें दोस्तों। जल्दी जल्दी चेकअप करवा के अपना सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, उनका फॉर्मेट भी पूरा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली में भी है दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, RMN हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। यहाँ पे देख सकते हैं आर डिसेबिलिटी एज मेंशन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट ENT फॉर विजिबल डिसेबिलिटी, विजिबल डिसेबिलिटी कैंडिडेट हुआ है LVA में ब्रिंग देर ऑन LVA विच कैन बी चेक। मतलब दोस्तों कहने का मतलब है जिन भाइयों के पास पहले से उनका सर्टिफिकेट बना हुआ है वो उनको अपने साथ लेके जाना है एवरी कॉलेज में। हर कॉलेज में दोस्तों उनका सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा जो उनका स्टेट काउंसिल से बना हुआ है, फिर उसे उनको देख के वो वेरीफाई भी कर सकते हैं और अपने तरफ से बना के भी चेक करके भी वो बना सकते हैं सर्टिफिकेट। तो दोस्तों आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग करके वो सारे लेके जाने हैं, ठीक है दोस्तों। अपना नीट का एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड भी लेके चल जाएगा तो अच्छा रहेगा। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं 2 कॉलेज बाकी रहते हैं जो कि 15 और 16 नंबर पे हैं। इंडियन हर डिजन मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएशन हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में दोस्तों, ये भी आर डिसेबिलिटी एमेशन इन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। इसके बाद लास्ट आता है दोस्तों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग मैसूर में है दोस्तों, मैसूर कर्नाटका में, फॉर स्पीच एंड डिसेबिलिटी हेयरिंग डिसेबिलिटीज ओनली। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आजकल दोस्तों काफ़ी सारे अपडेट आ रहे हैं, जिससे कि छोटे छोटे अपडेट आपके काफ़ी काम के हो सकते हैं। अभी 3-4 स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई रजिस्ट्रेशन के लिए, पंजाब के लिए हो गई थी दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हरियाणा में प्राइवेट कॉलेज के लिए हो गई है, वैसे करके काफ़ी सारे कॉलेज में अरुणाचल प्रदेश में भी हो गई दोस्तों प्राइवेट कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो आते ही आपको सारी देखनी है दोस्तों। ये अभी काउंसलिंग की प्रोसेस चलती है मात्र 3 से 4 दिन के भीतर, और वो दोस्तों आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली इस टाइम पे तो आप फिर पछताओगे दोस्तों, राउंड सेकंड हो जाएगा और आपको सीट नहीं मिलेगी दोस्तों और क्या टाइम भी बर्बाद होगा। तो दोस्तों आपने ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं खोनी है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन होना है और जितनी भी वीडियो आएंगे उसको देख के समझ के कमेंट करना है, इससे आपका ही फायदा है दोस्तों। इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग होगी दोस्तों, आप कोई भी डाउट हो दोस्तों कमेंट करके पूछ लीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल रिप्लाई दिया जाएगा आपके सारे डाउट का। एंड दोस्तों इन कोर्स ऑफ एनी को रिलेटेड काउंसलिंग, आपको काउंसलिंग के प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आ रही है दोस्तों आपने बताना है। पेड काउंसलिंग के तरफ जाने से पहले हमसे पूछ रहे हैं दोस्तों कौन सी पेड काउंसलिंग सर्विस अच्छी रहेगी, कौन से में बढ़िया से बढ़िया काउंसलिंग होगी दोस्तों। पहले तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी पेड काउंसलिंग की, जब आप मेरी सारी एडवाइस को फॉलो कर लेंगे। फिर भी आप किसी भाई को ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो दोस्तों मुझसे भी पर्सनल काउंसलिंग करवा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर कमेंट करना है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।